दिल्ली के राजघाट का इलाका बना तालाब, कई फीट तक भरा पानी। दिल्ली में अभी बाढ़ का खतरा बरकरार। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में भरा यमुना का पानी, सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से तालाब जैसा नजारा। दिल्ली में अभी नहीं टला बाढ़ का खतरा, आज भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में बाढ़ के बाद छतों पर लिया लोगों ने आसरा, लोग बोले हालचाल पूछने कोई नहीं आया। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास पानी का कब्जा, हर जगह नजर आया पानी। दिल्ली के आईटीओ में अभी भी सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक हुआ प्रभावित, गाड़ियों की रफ्तार थमी। दिल्ली में बाढ़ के हालात से मुसीबत में लोग, शांतिवन इलाके में भरा पानी, आवाजाही में बड़ी मुश्किलें। दिल्ली के मठ बाजार और चंदीराम अखाड़े पर पानी का कब्जा, ड्रोन तस्वीर से बाढ़ की तस्वीर सामने आई। दिल्ली में यमुना के उफान के बाद आईएसबीटी पर पानी का कब्जा, बस अड्डे के अंदर नजर आ रहा है पानी ही पानी। हरियाणा के हथनीकुंड के पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी की ड्रोन तस्वीरें सामने आई, हर तरफ पानी का सैलाब। यमुना में जलस्तर घटने के बाद डीएमआरसी का फैसला, यमुना के ऊपर से गुजरते हुए मेट्रो ट्रेन की स्पीड लिमिट की पाबंदी हटाई गई। दिल्ली में आई यमुना की बाढ़ के बाद अब महामारी का खतरा, बाढ़ आने से कई मवेशियों को हुई है मौत। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जमा हुए पानी को निकालने का काम जारी, पंपिंग सेट के जरिए निकाला जा रहा है पानी। उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद, आवाजाही प्रभावित। उत्तराखंड के लक्सर में सोनाली नदी का 50 मीटर तटबंध टूटा, 24 गांव डूबे, तटबंध बनाने में लगेंगे 2 से 3 दिन। उत्तराखंड के विकास नगर में भूस्खलन की वजह से धंसी सड़क, रास्ता बंद होने से लोगों को करना पड़ रहा है 150 किलोमीटर का ज्यादा सफर। उत्तराखंड के धारचूला में बारिश से दर के पहाड़, मलबा गिरने से बंद हुआ रास्ता, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, किन्नौर में लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में फिर शुरू हुई बारिश, ब्यास नदी के जलस्तर में फिर बढ़ोतरी, मनाली में अलर्ट पर आपदा प्रबंधन की टीम। बागपत में श्रीराम मंदिर में पहुंचा बाढ़ का पानी, बाबा की समाधि और मूर्ति यमुना नदी में समाई। पंजाब के जलंधर में सीएम मान ने नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, नाव पर ज्यादा लोग सवार होने से तेज बहाव में बिगड़ा नाव का संतुलन। महाराष्ट्र के भंडारा में बाढ़ जैसे हालात, बोट का इस्तेमाल कर स्कूल पहुंचे बच्चे। पंजाब के मानसा में भयावह हालात, 2 जगह घग्गर नदी के तटबंध टूटने से गांव में पानी भरा। मध्य प्रदेश के सागर में थोड़ी देर की बारिश में खुली नगर निगम की पोल, घरों में भरा पानी, कई इलाके जलमग्न, बाढ़ जैसे हालात, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र किए गए बंद। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारी बारिश बनी आफत, जगह जगह हुआ जलभराव, लोगों की मुश्किलें बढ़ी।